अल्लाह मेरे अल्लाह, मेरे दिल में फ़ारिस की मोहब्बत डाल दे, इतनी कि मेरी हर सोच फ़ारिस से शुरू होकर फ़ारिस पर ही ख़त्म हो। मैं खयानत नहीं करना चाहती, आप मेरे दिल को फ़ारिस की जानिब मायल कर दें। हेलो निमला। हेलो फारिस, कैसे हो? ठीक हूँ, बिजी हूँ। ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मेरे सर पे डाल दी है ना, मुझे तो सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कसम से इतना काम करता हूँ लेकिन कहलाता मुलाजिम ही हूँ। इसी बात कर रहे हो फारिस? प्रॉपर्टी तुम्हारी हो या मेरी, एक ही बात है। बात एक नहीं है, हर पेपर पर ना तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मुझे तो लोग तमस्कर से देखते हैं। रन मुरीद, जोरू का गुलाम, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। कसम से दिल चाहता है सब कुछ छोड़ दूं। ऐसा मत कहो फारिस। जी ठीक है, और कोई हुक्म? हुक्म नहीं है, रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं नहीं, आप हुक्म किया करने से। सुबह से गधे की तरह काम करके अभी घर आया हूँ वापस। और हम सब भी घर पर नहीं है, आपको और भी गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन आप फिक्र ना करें, हम तीनों जल्द वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे घर पे मुलाजमा है ना, और इतना अच्छा खाना बना लेती है वो। तुम लोग आराम से रहो, एंजॉय करो, आराम से कुछ दिन और मजीद रहो। फारिस, मेरी मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो बहुत बुखार हो रहा है। तुमने परहेज नहीं किया होगा, खूब खाया होगा, इसलिए तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई। अब दवाई लेती रहना। और सुनाओ, मम्मी और अमन कैसी हैं? ठीक है। बुखार कम हुआ है पर उतना नहीं है पूरी तरीके से। मेरे ख्याल से हमें एक दफा डॉक्टर के पास फिर से चेकअप के लिए चले जाना चाहिए। तुम लोग क्यों मेरा इतना ख्याल करते हो? मैं इतनी खास नहीं हूँ, मेरी परवाह ना करो। दवाई खाई भी है, बुखार भी उतर जाएगा। अरे ना, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? क्या हो गया है? क्या हुआ है? कुछ नहीं।